यहाँ पे आप देख सकते हो ये टायर पूरा वर्न आउट हो चुका है, क्योंकि ये आगे में लगा है और ये पीछे का टायर है, इसमें ग्रिप थोड़ा बचा है। उसका रीजन ये है, आपने टायर रोटेशन नहीं किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्र राणा। दोस्तों, आज के मजेदार टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं टायर रोटेशन की। मेरे सारे कस्टमर की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि टायर की मैक्सिमम लाइफ मिले। तो मैक्सिमम लाइफ मिलने के लिए हमें क्या करना होता है? तो मैक्सिमम लाइफ मिलने के लिए हमें करना होता है टाइम टू टाइम टायर का मेंटेनेंस। टायर का मेंटेनेंस में दोस्तों अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और टायर रोटेशन, ये तीन चीज़ें आती है। व्हील अलाइनमेंट जो होता है, व्हील को अलाइन किया जाता है। व्हील अलाइनमेंट के बारे में दोस्तों एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें शेयर करूंगा। व्हील बैलेंसिंग भी दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप जाके रेफर कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टायर रोटेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टायर रोटेशन दोस्तों कैसे होता है, क्या होता है टायर रोटेशन में, क्या प्रोसेस फॉलो होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जितनी भी दोस्तों टायर कंपनियां हैं, ये टायर गाइडलाइन में हमेशा मेंशन करती है कि आपने एवरी 5000 टायर रोटेशन करने जरूरी होते हैं। जब भी आप अलाइनमेंट करते हो, बैलेंसिंग करते हो, उस समय आप टायर रोटेशन भी कीजिए। एवरी 5000 उसे करना मैंडेटरी है, जिससे आपको टायर का मैक्सिमम लाइफ मिलेगा। मैक्सिमम लाइफ कैसे मिलेगा? मान लो दोस्तों, आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आप अगर यू टर्न लेना चाह रहे हो तो क्या करते हो? आप जगह पर स्टेयरिंग को घुमाते हो। ब्रेक मारना है तो क्या करते हो? आप इंजन सामने के टायर को ब्रेक से रुकाता है, सामने के टायर पे इंजन का वेट होता है। आपको अगर यू टर्न करना है तो आप जगह पे स्टेयरिंग को घुमाते हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे के टायर ज़्यादा यूज़ होते हैं। मान लो अगर आप रोटेशन नहीं कर रहे हो तो आगे के टायर जल्दी घिस जाएंगे, और जब आप टायर चेंज करने जाएंगे तो आपके पीछे के टायर थोड़े अच्छे रहेंगे और आगे के टायर जल्दी वर्न आउट होंगे। ये जो था, ये आगे का टायर है, देखो इसमें कुछ भी ग्रूज नहीं बचे, और ये है पीछे का टायर, तो इसमें ज़्यादा ग्रूज बचे हैं। टायर रोटेशन न होने की वजह से आप देख सकते हो कि आगे के टायर जल्दी घिस चुके हैं और पीछे के लाइफ अभी भी बची है। तो टायर रोटेशन से क्या होता है कि पीछे में टायर रेस्ट होते हैं, तो ज़्यादा यूज़ होने के बाद में पीछे के टायर आगे आएंगे, आगे के टायर पीछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो टायर जल्दी वोर्न आउट होने वाले रहते हैं वो पीछे में रेस्ट करते हैं और टायर इक्वली वेयर एंड टेयर होंगे। तो इसके लिए टायर रोटेशन की एक अलग अलग मेथड्स है, वो सारी मेथड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। टायर रोटेशन में पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उस चीज़ें के बारे में बात करेंगे। पहले दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके टायर की साइज़ क्या है। अगर मान लो आपके पाँचों टायर एक ही साइज़ के हैं तो आपको पाँचों टायर को रोटेट करना है। मान लो स्टेपनी का टायर, जो स्पेयर व्हील होता है, उसका टायर का साइज़ अलग है तो आपको चार टायर का रोटेशन करना होता है। मान लो आगे के दो टायर की साइज़ अलग है और पीछे के दो टायर की साइज़ अलग है तो उसका रोटेशन मेथड अलग होता है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे टायर की साइज़ क्या है। साइज़ के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ट्रेड्स। ट्रेड्स कौन से रोटेशनल ट्रेड्स आते हैं और इनसाइड आउटसाइड ट्रेड्स आते हैं, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। जो रोटेशनल ट्रेड्स होते हैं वहाँ पे मार्किंग दिया होता है कि ये साइड से रोट होते हैं। तो मान लो आपके आगे के टायर है वो पीछे जाएंगे, पीछे के टायर आगे जाएंगे, आप उसको क्रॉस रोटेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि वो रोटेशनल टायर है। इस मान लो इस टायर को आप क्रॉस रोटेट करोगे तो वो पीछे के एरो में चला जाएगा, कहीं ना कहीं नॉइज़ देना चालू करेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इनसाइड आउटसाइड में हमेशा दोस्तों आउटसाइड ही रखना है। बहुत से बार ऐसा होता है कि आपका सस्पेंशन डैमेज है, उसकी वजह से अनइवन वेयर हुआ है टायर में, बीच में खड्डे गिरे हुए हैं, तो आप उसे सस्पेंशन को रिपेयर करके, अगर मान लो ज़्यादा नहीं है डैमेज तो उस टायर को भी आप यूज़ कर सकते हो कहीं ना कहीं रोटेशन के द्वारा। और दोस्तों जब भी आप रोटेशन करते हो, टायर रोटेशन, आपको पता चलता है कि आपके सस्पेंशन का कंडीशन क्या है। बहुत से बार ऐसा होता है कि सस्पेंशन डैमेज होने की वजह से टायर डैमेज हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग टायर को बचा सकते हैं। और जिस टायर पे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स उसको आप कोई भी डायरेक्शन में डाल सकते हो, वो उसकी जो डिज़ाइंस है वो यूनिफॉर्म है, उसको आप अंदर भी डाल सकते हो, बाहर भी डाल सकते हो। लेकिन हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो पोर्शन हमेशा बाहर होना चाहिए। मान लो आपके पाँचों टायर एक तरीके है तो आपको पहले स्टेपनी निकालना है, उसको ड्राइवर साइड में डालना है। ड्राइवर साइड का इधर आएगा, ये जाएगा स्टेपनी में, और ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा। तो ऐसे पाँचों टायर रोटेट करते रहना है। तो कभी आगे के पीछे लेना है, पीछे के आगे लेना है, स्टेपनी को भी यूज़ करना है। मान लो आपका रोटेशनल साइज़ है तो ये टायर निकाल के यहाँ जाएगा, ये आगे आएगा, वो साइड का पीछे जाएगा, वहाँ से आगे आएगा। ये हो गया रोटेशनल टायर का। मान लो आपके चार ही टायर है और स्टेपनी अलग है, स्टेपनी क्रॉस रोटेशन फर्स्ट टाइम करोगे और आगे पीछे सेकेंड टाइम करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार टायर रोटेशन का एक अलग पैटर्न है, फाइव टायर रोटेशन का। अगर आपके पांचों टायर एक ही साइज़ के हैं तो आप ये मेथड, तीन मेथड है उसको यूज़ कर सकते हो। पहले टाइम आपको करना है
आगे के पीछे करके एक टायर को स्टेपनी में डालना है। स्पेयर व्हील का देखो ये तीनों मैप आप ध्यान में रखो। आपके पास में अगर BMW है दोस्तों तो BMW और साइज अलग अलग है, आगे की अलग है पीछे की अलग है, तो ये टायर वो फ्रंट लेफ्ट का फ्रंट राइट में जाएगा, फ्रंट राइट का फ्रंट लेफ्ट में आएगा, रियर लेफ्ट का रियर राइट में जाएगा, रियर राइट का रियर लेफ्ट में आएगा। डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक डाली है, उसके अंदर जो रोटेशन मेथड होती है ये रखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके आपके कौन से टाइप के टायर है उस हिसाब से आप उसका टायर रोटेशन करवा सकते हो। ये जो है ओनर्स मैनुअल है टोयोटा क्रेस्टा का, इनोवा क्रेस्टा का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो टायर रोटेशन के लिए कंपनी ने बोला है एवरी 10,000, यहाँ ये बोल रहे हैं, हम बोलते हैं टायर कंपनियां रिकमेंड करती है एवरी 5,000 किलोमीटर। लेकिन मैनुअल में भी देख सकते हो यहाँ पे भी कंपनी बोल रही है कि पांचों टायर रोटेट होने चाहिए। मान लो अगर आपका टायर साइज सेम है तो यहाँ क्रिस्टा में पांचों टायर का साइज सेम है। रोटेशन के टाइम पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी जरूरी होती है कि टायर की कंडीशन कैसी है। मान लो अगर आपके टायर 1.6 mm के नीचे पहुंच चुके हैं विच आर इलीगल टू ड्राइव, तो आप उसे उस टाइम पे टायर को चेंज करना ही अच्छा रहेगा। ओनर्स मैनुअल में दोस्तों यहाँ ये भी लिखा है कि कभी भी आप ग्रीस या ऑयल यूज नहीं करते हैं बोल्ट के ऊपर जब भी उसको टाइट करते हो, और मेक श्योर कीजिए जब भी आप उसको बोल्ट को टाइट करते हो उसका एक टॉर्क पे सेट होता है जिसके लिए आपको टॉर्क रैंच का यूज करना होता है। जब भी आप दोस्तों टायर फिट कर लेते हो उसके बाद में व्हील बोल्ट टाइट करने का टाइम आता है, उस टाइम पे आप प्रॉपर टॉर्क लगा के ही उसे टॉर्क रैंच के थ्रू ही टाइट कीजिए कि वो प्रॉपर टाइट रहे। ज़्यादा टाइट होने से भी दिक्कत हो सकता है, कम टाइट होने से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये दोस्तों है टॉर्क रैंच जिसका हम लोग यूज़ करेंगे बोल्ट टाइट करने के लिए। अभी आप दोस्तों नट टाइट करते हो टॉर्क रैंच का यूज़ करिए, टॉर्क रैंच वो प्रॉपर टाइट करेगा, एक्स्ट्रा टाइट नहीं करने देगा, टाइट हो जाएगा ये आवाज़ करेगा, यहाँ पर प्रॉपर टाइट हो चुका है। टायर रोटेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज आपकी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसे आंसर करने के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आने वाले वीडियो में काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज हम लोग शेयर करते रहेंगे। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।